स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू लास्ट मड्यूल में हमने बात की लिटरेचर रिव्यू क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं अब हम देखेंगे कि अभी जो हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि वो कैसे करते हैं उसके अवेलेबल सोर्सेज क्या हो सकते हैं एक रिसर्चर के लिए तो आइए देखते हैं कि वो अवेलेबल सोर्सेज कौन से होते हैं तो लिटरेचर रिव्यू के में जो पहला सोर्स है जो आपको अवेलेबल होता है वो है आपके जो जर्नल्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो जर्नल्स में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं उनको हम आ, जो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं किसी भी लिटरेचर रिव्यू में क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो जर्नल में काम पब्लिश होता है उसकी साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर सोर्सेज इसकी वजह यह है कि वो आर्टिकल प्रॉपर पीयर रिव्यू प्रोसेस से गुजरा होता है और उसको साइंटिफिकली असेस किया होता है कि एकेडमिक कम्युनिटी ने और उसमें जो रिजल्ट्स पब्लिश हुए होते हैं वो अवेलेबल टू अदर एकेडमिक साइंटिफिक कम्युनिटी को भी अवेलेबल होते हैं और वो उसको चैलेंज भी कर सकते हैं उससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं तो हम जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो जर्नल्स आर्टिकल्स होते हैं दूसरा आपको जो अवेलेबल सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू है जिसको हम कंपैरेटिवली क्रेडिबल समझते हैं वो आपकी बुक्स होती हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर डिफरेंट रिसर्चर्स ने अपना काम पब्लिश किया होता है तो आप जब लिटरेचर व्यू करते हैं तो आप उस टॉपिक के ऊपर जो अवेलेबल बुक्स हैं उनको स्टडी करते हैं बुक्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं जैसे एडिटेड बुक्स हो सकती है जैसे कंपाइल्ड बुक हो, हो सकती है या एक ओवरऑल बुक हो सकती है किसी ऑथर की थ्रेटिकल इन नेचर या एम्पेरिकल इन नेचर तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड आ, ये कोशिश करते हैं कि उन बुक्स का रिव्यू करें और उसमें देखें कि जो आर्गूमेंट्स हैं वो आपकी रिसर्च के साथ कैसे लिंक्ड आउट हैं थर्ड सोर्स जो आपको एज़ अ रिसर्चर अवेलेबल होता है लिटरेचर रिव्यू की वो थीसिस होते हैं हाँ हमने पढ़ा था कि बेसिक रिसर्च जो होती है वो एकेडमिक रिसर्च होती है और एकेडमिक रिसर्च में हम जो है थीसिस लिखते हैं फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री जैसे पीएचडी के थीसिस हैं एम फिल के थीसिस हैं तो ये जो थीसिस होते हैं ये भी है एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट होता है और इसकी क्रेडिबिलिटी एज कम्पेयर टू द अदर सोर्सेज ऑफ लिटरेचर व्यूज ज़्यादा होती है तो आप जब किसी टॉपिक पे रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि उस रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जो थीसिस हुए हैं आप उनको स्टडी करें आप उनको देख सकते हैं अपनी रिसर्च लाइब्रेरी में या आप जैसा कि हमारे यहाँ जो है एच ई सी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नेशनल रिसर्च रिपॉजिटरी है जिसमें तमाम पी एच डी के थीसिस जो इस मुल्क में हुए हैं वो सारे अवेलेबल हैं तो आप वहाँ पर ब्राउज करके डिसप्लिन वाइज अपने डिसप्लिन में अपने टॉपिक से रिलेवेंट जो पी एच डी स्टडीज़ के थीसिस हैं वो आ, उनको स्टडी कर सकते हैं और उनको अपने लिटरेचर रिव्यू में इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ साथ जो अप्लाइड काम हुआ हो किसी रिसर्च में तो रिसर्च टॉपिक पे वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की शेप में अवेलेबल होता है तो आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आप वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को भी देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में क्या फाइंडिंग्स हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एक रिसर्चर ये समझता है कि लिटरेचर रिव्यू में हमें सिर्फ जनरल आर्टिकल्स देखने हैं बुक्स देखनी है या थीसिस देखने हैं ऐसा नहीं है एक अच्छा रिसर्चर जो है वो अपने इशू से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स को भी पढ़ता है और उसके साथ साथ जो पॉलिसी रिपोर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने इशू की हैं या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इशू की हैं उनको भी स्टडी करता है कि उसमें एम्पेरिकल एविडेंस किस तरह का मौजूद है इसके साथ साथ जो लीस्ट प्रेफर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है एक रिसर्चर के लिए वो न्यूज़पेपर होता है और मैगज़ीन्स होते हैं uh, इन में जो uh, आप लिटरेचर uh, सर्च करते हैं वो कंपैरेटिवली लेस क्रेडिबल होता है एज़ कंपेयर टू द जर्नल आर्टिकल्स बुक्स एंड थीसिस तो एक अच्छा रिसर्चर ये को कोशिश करता है वो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक वर्क को स्टडी करें एज़ कम्पेयर टू रीडिंग द न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन मगर उसकी भी एक सिग्निफिकेंस होती है आप जब ओवरऑल इंटीग्रेटिव रिव्यू करते हैं तो उसमें वो न्यूज़पेपर में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पब्लिश हुए हैं या जो किसी जर्नलिस्ट की स्टोरी रिपोर्ट हुई है आप उसको भी स्टडी करते हैं हम उसको इस आ, आ, जो है इंटीग्रेटिव रिव्यू में उसको निगेट नहीं कर सकते उसको जो है ख़त्म नहीं कर सकते तो इसी हम ये समझते हैं कि जो न्यूज़पेपर और मैगजीन रिपोर्ट्स होती हैं वो भी एक सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू है तो ये मैंने आपको बताया कि एक रिसर्चर के लिए कौन से लिटरेचर रिव्यू के सोर्सेज अवेलेबल हैं और एक रिसर्चर को इन तमाम सोर्सेज से फ़ायदा उठाना चाहिए